अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर जबलपुर से हमें मिल रही है। ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखे को बैन कर दिया गया है। एनजीटी का आदेश है, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने की इजाजत रहेगी। रात 12 बजे से 12:30 तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई है। कम प्रदूषण वाले शहरों में पटाखे जला सकेंगे, लेकिन सिर्फ 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे, एनजीटी ने आदेश दिए हैं। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एनजीटी का आदेश, ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखे बैन किए गए हैं। क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने की इजाजत है। रात 12 बजे से 12:30 तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई है। कम प्रदूषण वाले और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। मनीष, ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों को बैन किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि जो एनजीटी का नया आदेश आया है, उसमें ये कहा गया कि जहां ज्यादा प्रदूषण है जिन शहरों में, उनमें ज्यादा से ज्यादा आठ घंटे या 30 मिनट पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी दीपावली और क्रिसमस पर। तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा जो समाज पर है, हिंदू समाज पर थोड़ा असर तो जरूर देखा जाएगा, थोड़ी नाराजगी जरूर देखी जाएगी, क्योंकि जो हिंदू संगठन है इस पर वैसे भी हमेशा तंज कसते रहते हैं कि हमेशा जो है हमारे त्योहारों पर ही ये नए नए प्रकार के आदेश निकाले जाते, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो। तो कहीं ना कहीं इस आदेश से एक बार फिर से और व्यापारियों में भी इसमें थोड़ा सा निराशा जरूर देखी जाएगी, क्योंकि व्यापारियों ने बड़े जोर शोर से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अब जबकि एनजीटी ने नया आदेश जारी कर दिया है, तो उससे निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा, उनकी जो बिक्री है वो कम होगी, तो इसका काफी असर देखने को मिलेगा। जी पूनम जी, मनीष, जिस प्रकार से जो है ये बैन लगाया गया है पटाखे फोड़ने को लेकर, कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन है, ऐसे में जो है पटाखे ज्यादा बैन किए गए हैं, टाइम भी एक दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और क्या प्रतिबंध रहने वाले हैं? देखिए, अगर मान लीजिए प्रदूषण है उसका मेन कारण बताया है शुरुआत, पहले भी ये आदेश आते रहे कि ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ने, और अब चूंकि प्रदूषण को कंट्रोल करने का इसमें सीधा सीधा जिक्र किया गया है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं कि ये एक आदेश है, और इससे थोड़ा सा जो अपने त्योहार है, चूंकि बहुत समय बाद लगभग ये कहें कि कोरोना के बाद से थोड़ा त्योहारों में उत्साह देखा जा रहा था लोगों में कि चलो इस बार हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे और अच्छे से थोड़ा हर्षोल्लास देखा जा रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा एक आदेश आने के बाद समाज में, लोगों में और साथ ही व्यापारियों में एक निराशा का माहौल जरूर उत्पन्न होने वाला है, और थोड़ा सा नाराजगी भी शायद शासन प्रशासन के इसके लिए जरूर बनेगी कि यार आखिरकार हमारे त्योहारों पर ही आदेश क्यों आते हैं। कहीं ना कहीं जैसे निर परिषद हो या अन्य हिंदू संगठन हो, वो भी इसका लगातार विरोध करते आते हैं कि चाहे होली हो चाहे दिवाली हो या अन्य त्योहार हो, इन पर ही ये आदेश क्यों जारी किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया मनीष, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आदेश तो जारी कर दिया गया है, एनजीटी ने आदेश जारी किया है, ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों को बैन कर दिया गया है। क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने की इजाजत है, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम स्लॉट दिया गया है 12 से 12:30 तक ही, वो भी ग्रीन पटाखे चलाने की छूट है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग और जनता में भी जो है नाराजगी हो सकती है। तो सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे, एनजीटी ने आदेश जारी कर दिया।